on 2x. Limit x is approaching c. अब फिर से क्या करना है मुझे यहाँ पर? डिनोमिनेटर अभी भी जीरो है, तो मैं ये मान के चलूं कि x को जीरो न्यूमरेटर में डालने पर वो भी जीरो बन जाना चाहिए. अब बाकी अब ये ना शक्ल एक दूसरे की बाद में देख लेना, पहले क्वेश्चन दे. वो भाग नहीं जानी शक्ल, उसमें यही रहेगी. क्वेश्चन मैंने बराबर कर देना, फिर तुमने पूछना है मुझसे दोबारा. x को जीरो डालूंगी तो 2 प्लस a इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो हो जाएगा, cos जीरो वन है, सो a की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस टू. सो a माइनस टू है और b माइनस चार. मैं क्या बोलूं? और बोलो जी. नहीं सर, नहीं हो रहा. बस आगे करने की जरूरत नहीं है, अब दोबारा मैंने डिस्कशन करनी नहीं है इसकी. जिसने जितने आज पूछ लेने हैं पूछ लेने. हाँ जी बोलो. क्वेश्चन नंबर 5050. उससे पहले क्वेश्चन नंबर 35. नंबर 210, 212, 239, 163. f of x is x if x is less than is equal to 1, x square plus bx plus c when x is greater than 1, f dash x exist finitely, then the values of a and b. अब अगर हमें गिवन है कि f dash x exist finitely, किस पॉइंट पर ये हो सकता है कि एग्जिस्ट ना करे? 1 पर. तो मुझे क्या करना है? मैं ये मान के चलूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट 1. इससे वहां से कंडीशन आएंगी. जब लिमिट की निकालोगे तो क्या मैं सीधे सीधे कर लूं? आपने पूरा डाल के अगर सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में तो आप भी सीधे कर सकते हो. 1 इज इक्वल टू x को 1 डाल रहे हैं तो b प्लस सी इज इक्वल टू 0. अब जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो गया 1, ये होगा 2x प्लस b. जब यहाँ डिफरेंशिएट किया मैंने तो क्या आएगा? सॉरी, हाँ, इसका डेरिवेटिव 1, इसका 2x प्लस b, 1 पे कर रहे हो तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू 2 प्लस b, b की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 1. इफ b इज माइनस 1 c विल बी 1. एक मिनट समाना स्टूडेंट्स, हम एक सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, फिर वापस कनेक्ट कर रहे हैं. वैल्यू नहीं डाली हो अब तुमने जो यहाँ से कंडीशन आई है 1 इज इक्वल टू 1 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, बी प्लस सी 0. फिर जब ये अच्छा सब कुछ कर दिया, ये डाला नहीं होगा, कंडीशन नहीं डाली हो इसकी वजह से. 35 के बाद उसकी तो प्रॉब्लम भी नहीं. 36 राजीव तो 50 में बोल रहा था. नहीं नहीं तुम्हारे तो मैं ले रही हूँ, तो उसके तो नीचे अच्छा पर समाना हो रहा है. इस पे करेक्ट हो रहे हो? देर उस पे समाना कनेक्ट करते हुए काम तो शुरू करना तो पड़ेगा तभी. अगर मैं f of x को 2 पावर x लूं तो डेरिवेटिव होगा 2 पावर x इंटू log 2, 0 पर log 2. एक तो ये कंडीशन जस्टिफाई, और दूसरा ये भी चेक करना पड़ेगा क्या फंक्शन ये कंडीशन जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो 2 पावर x प्लस y दिस इज सेम एज 2 पावर x इंटू 2 पावर y. सो f of x इंटू f of y. सब्जेक्टिव में आप ऐसे भी चल सकते हो. अगर तो फिर वही यूज करो f ऑफ जीरो की डेफिनेशन, f ऑफ x की डेफिनेशन. f डैश x को लिखोगे f ऑफ c प्लस h, माइनस f ऑफ c प्लस 0, फिर उसमें f ऑफ x इनटू दिस, फिर f ऑफ h को बाहर निकाल लिया, f ऑफ x को बाहर निकाल लिया, f ऑफ x को बाहर निकाल लिया, फिर वो आ गया.
रिलेशन आ गई f डैश x इज इक्वल टू f x इनटू log 2 इसके बाद इंटीग्रेशन करनी है उसका फॉर्मूला भी तुम्हें आएगा नहीं बाकी करना क्या हमने f डैश x अपॉन f ऑफ x इज इक्वल टू log 2 इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स जब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव होता है तो इसको होता है log f डैश x इज इक्वल टू log 2 इनटू x फिर f डैश x करो तो e पावर हाँ जी और बोलो 39 क्वेश्चन नंबर 39 है f ऑफ x इज n प्लस p sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किन पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं होता इंटीजर्स पर नहीं होता एंड इसमें ऑलरेडी क्या गिवन है इंटीग्रल गिवन है ठीक है p प्राइम नंबर गिवन है n इंटीग्रल है p प्राइम नंबर ये ऑलरेडी इंटीग्रल है अगर ये भी इंटीजर बन जाएगा तब इसके अंदर इंटीजर आएगा और उन पॉइंट्स पर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा इसका मतलब कैन आई से sin x कैन टेक द वैल्यू 1 बाय p 2 बाय p 3 बाय p टिल p by p p तो प्राइम नंबर है ठीक है ना तो जहां जहां पर sin x 1 by p 2 by p बनेगा तो 1 2 3 4 इस तरह से मेरे पास वैल्यू आ जाएंगी कितनी वैल्यूज हैं ये 1 से लेकर के p तक p वैल्यूज अब x की वेरिएशन भी कुछ गिवन है हां x वेरी कर रहा है 0 से π में इसका मतलब जो साइन x की वैल्यू 1 बाय पी है साइन 180 माइनस x की वैल्यू भी वही होगी तो क्या मैं कह सकती हूँ टोटल 2p पॉइंट्स हो गए लेकिन ये जो है p अपॉन p ये तो एक ही बार आएगा 1 वैल्यू तो 0 से 90 में एक ही बार होगी सो कितने पॉइंट्स बने समझ गया है देखो जो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये सिर्फ इंटीग्रल पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल n इंटीजर गिवन है मैंने कहा अगर ये भी इंटीजर हो जाएगा तो अंदर बड़ी हर चीज इंटीजर हो जाएगी और वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा अब मैंने कहा कि अगर sin x ये वैल्यूज लेगा तब ये इंटीजर वैल्यू बनेगी अगर मैं x sin को 1 / p डाल दूं तो ये 1 हो गया 2 / p डाल दूं तो 2 हो गया एंड सो ऑन अब x की वैल्यू दे रखी है 0 से पाई में जा रही है और आपको ये पता है 0 से पाई में जितनी बार वैल्यू 0 से पाई बाय 2 में आएगी सेम वैल्यू पाई बाय 2 से पाई में भी आती है यहां से यहां तक कितनी वैल्यूज हैं p वैल्यू 1 से चल के p तक जा रहे हो तो p या c वैल्यूज इसका मतलब सेम रेपिटेशन अगर हो तो 2p वैल्यूज लेकिन ये वैल्यू रिपीट नहीं होती वन वैल्यू तो एक ही बार आती तो क्या करती है 2p माइनस 1 और बोलो 40 में भी सेम कॉन्सेप्ट इन द सेंस यहां पर भी आपके पास क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जहां जहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटीग्रल वैल्यू लेगा वहां वहां पर फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा x की वेरिएशन दे रखी है 1 से 3 तक x स्क्वायर की वेरिएशन होगी 1 से 9 तक इसके बीच में कितने इंटीग्रल पॉइंट होंगे 1 और 3 1 और 9 नॉट इंक्लूडेड तो उतने पॉइंट्स पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल और बोलो x स्क्वायर वो x की वेरिएशन है आपको x स्क्वायर की वेरिएशन देखनी है हाँ जी आफ्टर क्वेश्चन नंबर 40 कॉम्प्रिहेंशन कुछ भी समझ नहीं आया हाँ जी 44 बाकी हो गए हैं देखो
यहाँ रिलेशन गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाय थ्री टू प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई अपॉन थ्री एंड एफ डैश टू इज इक्वल टू टू. ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. समाना स्टूडेंट्स, एक तो असाइनमेंट करके नहीं आए हैं, ठीक है, और दूसरा अभी आराम से बैठे हुए हैं. ये क्वेश्चन जरा सॉल्व करो, देखो जरा क्या करते हैं. सबसे पहले एफ डैश एक्स की डेफिनेशन लगाऊं तो क्या आएगा, एफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ ऑफ जीरो प्लस एच एफ ऑफ एच एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस जीरो अपॉन एच लिमिट एच इज अप्रोचिंग जीरो. अब लगाओ इसमें ये डेफिनेशन लगानी है तो क्या करना पड़ेगा, थ्री से मल्टीप्लाई और थ्री से डिवाइड. हाँ जी, हाँ करो जी, करो फटाफट. हाँ यहाँ x प्लस एच है, यहाँ x प्लस जीरो कर दिया ना, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री डिवाइड बाय थ्री. सो टू प्लस एफ ऑफ थ्री एक्स एफ ऑफ थ्री एच होल अपॉन थ्री माइनस टू प्लस एफ ऑफ थ्री एक्स प्लस एफ ऑफ जीरो अपॉन थ्री होल डिवाइड बाय एच लिमिट एच इज अप्रोचिंग जीरो. तो मेरे पास यहां से क्या आएगा, ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएंगे, एफ ऑफ थ्री एक्स और एफ ऑफ थ्री एक्स भी कैंसिल हो जाएगा. मेरे पास क्या बचा है, एफ ऑफ थ्री एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन थ्री एच लिमिट एच इज अप्रोचिंग जीरो. एंड वॉट इज इट, एफ डैश जीरो. ये क्या बना, एफ डैश जीरो. तो मेरे पास यहां से जो रिलेशन आ गया दैट इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश जीरो. ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में तो आपको क्या चाहिए, आपको जो दिया है x प्लस वाई अपॉन थ्री गिवन है, जब जब तक इस फॉर्म में नहीं लाओगे तब तक डेफिनेशन यूज नहीं कर सकते. मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मुझे डिनोमिनेटर में तीन चाहिए तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर में भी तीन से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, ये मैनिपुलेशन देखनी पड़ेगी. जो यहाँ फॉर्म है वो फॉर्म यहाँ पर आपको क्रिएट करनी ही पड़ेगी, और कोई उसका तरीका नहीं है मेरे पास. क्या 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 नहीं पता चला, दोबारा बोलो. एफ डैश एक्स का डेफिनेशन के हिसाब से एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच इज अप्रोचिंग जीरो, क्या ये एफ डैश एक्स होता है? हमने पढ़ा था एफ डैश सी, एफ डैश सी को हमने लिया था सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, फिर सी प्लस एच सी माइनस एच डाल करके हमने वहां से हमने इसको हमने बेसिकली क्या किया था, एफ डैश सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग सी. अब हमने क्या करना है, एफ डैश एक्स एक्स पर चाहिए मुझे, तो अकॉर्डिंगली एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच अपॉन एच लिमिट एच इज अप्रोचिंग जीरो. दिस इज द डेफिनेशन फॉर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट.
राइट. नाउ आई हैव एफ डैश एक्स एज एफ डैश जीरो. अगर एफ डैश एक्स है और मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, मुझे वैल्यू चाहिए एफ ऑफ एक्स की. एफ ऑफ वन तभी निकलेगा जब एफ ऑफ एक्स होगा. एफ डैश एक्स है, एफ ऑफ वन चाहिए, नहीं एफ डैश एक्स है एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो क्या करना पड़ता है? हाँ जी बोलो फटाफट. इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी. एफ डैश एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? आपको मालूम है इंटीग्रल और डिफरेंशियल एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, इतना तो पढ़ा है. तो अगर आप एफ डैश एक्स का इंटीग्रल करोगे तो वो क्या आएगा? इज इक्वल टू एफ डैश जीरो इंटू एक्स प्लस सी. और मुझे जो डेफिनेशन दी है वो किसकी दी है? मेरे पास जो यहां से रिलेशन आया था वो क्या आया था? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश जीरो. ठीक है, उसको इंटीग्रेट किया. उसे इंटीग्रेट करेंगे तो एफ डैश जीरो इज अ कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट को विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब आप इंटीग्रेट करोगे तो कॉन्स्टेंट इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी. हाँ जी जो ये सी है बेसिकली ये जो है इंटीग्रेशन करने पर मिलता क्या है आपको? यू गेट द फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट आर पैरेलल. ठीक है, तो ये जो सी है ये सिर्फ आपके पास डिफरेंट ऐसी कर्व्स की रिप्रेजेंटेशन देगा जहां पर टेंजेंट पैरेलल होते चले जाते हैं, बस इतना डिफरेंस है इसमें. तुम्हारी अपनी इको है उधर से. हाँ उधर रख, पर अभी उसमें चेंज कर दे. एक मिनट रुक जाओ, जरा एक मिनट रुक जाओ. उधर डिस्कनेक्ट कर दो. वेरिएशन लाता है. सपोज आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कर्व है. मैं एक्स स्क्वायर प्लस टू कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री कर दूं, तो किसी भी पॉइंट पर जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगी इसकी तो वो तो 2x ही रहेगी. ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर मैं इस कर्व को या इस कर्व को टेंजेंट निकालूं तो वो टेंजेंट पैरेलल होंगे क्योंकि उसका जो स्लोप है वो तो सेम रहेगा. ठीक है ना, तो इस सी से स्लोप में फर्क नहीं पड़ता लेकिन जो फैमिली ऑफ कर्व है वो डिफरेंट बन गई. ठीक है, तो ये जो सी है ये सिर्फ वही चीज आपको बता रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन करने पर आई कैन गेट डिफरेंट फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच द टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट आर पैरेलल. कहां पे नहीं आता? अब अगर आप इसमें डिफरेंशिएशन कर रहे हो, डिफरेंशिएशन में तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो ही हो जाना है, तो उसमें करोगे क्या उसका? डेफिनेट इंटीग्रल में सी नहीं आएगा. डेफिनेट में तो आपने बता दिया एक्स यहां से यहां वेरी कर रहा है तो आप एक पर्टिकुलर कर्व बताओगे, लेकिन जब आप इंडेफिनेट की बात करोगे तब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा तुम्हारे पास. हाँ जी, अब मुझे एफ डैश जीरो और सी दोनों चीजें निकालनी है. निकाल सकते हो?
डैश जीरो टू कैसे होगा? मेरे पास कंडीशन आई एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश जीरो, ये कंडीशन आई थी। एफ डैश टू कितना के बंद है? टू। इसका मतलब एफ डैश टू इज सेम एज एफ डैश जीरो। तो एफ डैश जीरो की जगह मैं दो लिख सकती हूं। अब ये सी निकालना है, इसके लिए क्या करूं? इस यहां पर x और y दोनों को जीरो डाल दूं, मुझे f ऑफ जीरो की वैल्यू चाहिए। मतलब अगर मैं x को जीरो डालूं तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये f ऑफ जीरो हो जाएगा। जो f ऑफ जीरो की वैल्यू वो c की वैल्यू। मैं इसमें x और y दोनों को जीरो डाल दूं तो ये टर्म बन गई f ऑफ जीरो टू प्लस टू टाइम्स f ऑफ जीरो अपॉन थ्री। ठीक है, तो ये हो गया थ्री टाइम्स f ऑफ जीरो टू प्लस टू टाइम्स f ऑफ जीरो, या फिर मैं बोलूं f ऑफ जीरो इज ऑल्सो टू। यहां से मैंने बोला x को जीरो लू तो जो c है वो f ऑफ जीरो के बराबर आ रहा है। ठीक है जी, और f ऑफ जीरो कितना निकाला मैंने? टू। इसका मतलब मेरे पास फंक्शन क्या बन गया? 2x प्लस टू। यहां तक जो स्टेप क्लियर नहीं है बता दो। इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट कर रही हूँ। क्या नहीं आना चाहिए?